राधे राधे। शिवरात्रि की शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह हुआ था। आप कहेंगे कि पार्वती कोई और है क्या और शंकर जी कोई और है क्या? नहीं, शिव जी और पार्वती एक ही हैं, दो स्वरूप में। लेकिन अपने भक्तों को सुख देने के लिए ऐसी लीला करते हैं, विवाह की लीला करते हैं। वैसे अनादिकाल से एक साथ हैं, अनादिकाल से एक हैं, लेकिन दो स्वरूप में हैं, दो स्वरूप धारण करके लीला। वैसे राधा कृष्ण और सीताराम तो लीलावतार ही हैं, बहुत सारे विभिन्न लीलाएं करती हैं। शंकर जी और पार्वती की लीलाएं बहुत थोड़े से हैं, लेकिन भक्तों के लिए ज़रूरी है कि कुछ तो रूप ध्यान करें। लेकिन आप पूछेंगे कि अरे जगतगुरु श्री कृपाल जी महाराज तो राधा कृष्ण भक्ति सिखाते हैं, तो हम शिवरात्रि क्यों मना रहे हैं? नहीं नहीं, जगतगुरु श्री कृपाल जी महाराज तो भगवान के हर स्वरूप को सम्मान देते थे, वही हमको सिखाते थे, और हम हर त्यौहार को मनाते थे, दुर्गा जी के लिए भी, गणेश जी के लिए भी और शिव जी के लिए भी। लेकिन हमारी अनन्यता फिर कैसे रहती है? हमारी अनन्यता रहती है क्योंकि जब हम शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम क्या मांगते हैं? जगतगुरु श्री कृपाल जी महाराज के शब्दों में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तुम हरी कृपा कोर लवलेश, हौं पै हौं रास प्रवेश। अरे शंकर जी, मुझे भी महारास में प्रवेश करा दीजिए। आप और पार्वती जी तो गए थे ना, जब श्री कृष्ण ने मुरली बजाई थी उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन, आपकी भी इच्छा हुई थी कि मैं भी महारास में शामिल हो जाऊं, क्योंकि रास रस तो सर्वोपरि है, कि शंकर जी और पार्वती जी भी चाहते हैं तो हम भी शंकर जी की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपने साथ ले जाइए रास में, ताकि हम भी राधा कृष्ण का के रास रस का पान कर सकें। ऐसे इस भावना से हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। जय श्री राधे।